हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में। और आज की जो खबर है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि वे 2025 तक वे अपनी डिजिटल करेंसी इशू कर देंगे। ये न्यूज़ पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज़ चैनल ने 1 अप्रैल को पब्लिश की और साथ ही पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने इसकी घोषणा EMI यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस की सेरेमनी सेलिब्रेशन के दौरान की। अहमद ने बताया कि वे इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी ही काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि स्विट्जरलैंड बेस्ड 5-स्टार होटल टोल्डर ग्रैंड जो है वो नेक्स्ट मंथ से बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। इस खबर की अनाउंसमेंट होटल के टेक पार्टनर इनएक्ट AG ने ट्यूजडे को की। उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑप्शन 1 मई से अवेलेबल हो जाएगा और जैसे ही इस पेमेंट मेथड को लाइव कर दिया जाएगा तो होटल के कस्टमर जो हैं वो अकोमोडेशन फूड एंड बेवरेज के साथ साथ स्पा ट्रीटमेंट के लिए भी बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि US बेस्ड ट्रैवल एजेंसी चीप एयर भी अपनी कस्टमर को होटल बुक करने के लिए ये सुविधा 2014 से ही शुरू कर दी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।